दोस्तों आज के इस वीडियो में आप सभी को LKK वर्सेस ITT के बीच खेले जाने वाले मैच नंबर 1 की एक सटीक भविष्यवाणी देने वाले हैं। अगर आप भी LKK और ITT को एक महान क्रिकेट टीम मानते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुनिया TNPL T20 लीग का एक और मुकाबला देखने के लिए तैयार है। तमिलनाडु प्रीमियर लीग 2023 का पहला मैच सोमवार 12 जून 2023 को शाम 7 बजे से SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर में लाइका कोवई किंग्स और आई ड्रीम तिरुपुर तमिझंस के बीच खेला जाएगा। आइए जानते हैं कैसी रहने वाली है पिच रिपोर्ट। तमिलनाडु प्रीमियर लीग सीजन 2023 का पहला मैच SNR कॉलेज क्रिकेट ग्राउंड कोयम्बटूर में आयोजित होने वाला है। इस स्थल पर यहाँ की पिच सपाट है और बल्लेबाजी के लिए अच्छी है क्योंकि इसमें उछाल और गति नहीं है। इस स्थल पर आउटफील्ड बहुत तेज है और गेंद बहुत तेजी से बाउंड्री के पास जाएगी। इससे स्पिन गेंदबाजों को भी काफी मदद मिलती है, लेकिन इस टूर्नामेंट में लगभग सभी टीमों का बल्लेबाजी क्रम मजबूत है, इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों अगर आप लोगों को मैच प्रेडिक्शन, टॉस, रिपोर्ट या फिर सेशन खेलना है तो रॉकी भाई के साथ जरूर से जुड़ना। इनका 95% से ज्यादा एक्यूरेट काम रहता है और बहुत ही सही रिपोर्ट आपको देंगे। इनका व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। इनका टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां से आप एक अच्छी टीम बनाकर प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इनसे आप बात कीजिए और फुल प्रॉफिट कमाइए। लाइका कोवई किंग्स तमिलनाडु प्रीमियर लीग के पिछले सीजन की सबसे भाग्यशाली टीम थी। उन्होंने लीग मैचों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन चेपॉक सुपर गिल्लीज के साथ ट्रॉफी साझा की। लाइका कोवई किंग्स ने 7 लीग मैच खेले और 4 जीत अपने नाम की। वे 3 मैच हार गए और अंक तालिका में चौथे स्थान पर काबिज थे। उन्होंने एलिमिनेटर मैच में CHM मदुरई पैंथर्स को हराया और नेल्लई रॉयल किंग्स के खिलाफ क्वालिफायर 2 मैच जीता। वे फाइनल में पहुंचे, लेकिन बारिश के कारण मैच का फैसला नहीं हो पाया और उन्होंने चेपॉक सुपर गिल्लीज के साथ ट्रॉफी उठा ली। आई ड्रीम तिरुपुर तमिझंस का प्रदर्शन लीग मैचों में अच्छा रहा था, लेकिन खराब नेट रन रेट के कारण वे शीर्ष 4 टीमों में पहुंचने में असफल रहे। उन्होंने 7 में से 4 लीग मैच जीते और अंक तालिका में 5वें स्थान पर काबिज रहे। आई ड्रीम तिरुपुर तमिझंस की तुलना में लाइका कोवई किंग्स समग्र रूप से एक मजबूत टीम है, खासकर जब बल्लेबाजी की बात आती है। लाइका कोवई किंग्स की बल्लेबाजी और गेंदबाजी मजबूत है, इसलिए लाइका कोवई किंग्स के लिए आज के मैच की जीत की संभावना बढ़ गई है। हमारे प्रिडिक्शन एक्सपर्ट्स के अनुसार आज के मैच के लिए दोनों टीमों के जीतने की संभावना का समीकरण इस प्रकार है। लाइका कोवई किंग्स के पास इस मैच को जीतने का 52% मौका है। आई ड्रीम तिरुपुर तमिझंस के पास इस मैच को जीतने का 48% मौका है। दोस्तों क्या है आपकी राय? आपके हिसाब से आज का मैच कौन जीतेगा? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं और इस तरह के TNPL अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।